बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम व्यूअर्स को पैगाम एहसन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि अभी ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स आ चुके हैं, तो इस हवाले से काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर, सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे होंगे और क्या तरीक़ेकार है। हालांकि मैंने पहले भी बताया था, लेकिन इस वीडियो में उन सिंपल स्टेप्स को जो है आपको बताता जाऊँगा, जिस तरह आप अपना सर्टिफिकेट ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और 4 से 5 सिंपल स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, और उस तरह से आप अपना सर्टिफिकेट ना सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं बल्कि अपनी पोस्टल एड्रेस पे उसको हासिल भी कर सकते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले इसकी जो वेबसाइट है उसको ओपन करेंगे। वेबसाइट का लिंक आपको हमारे इस पेज में भी नज़र आ रहा होगा, और या उसको आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। उसमें आप STSN लॉगिन गूगल में सर्च करेंगे तो जो पहला लिंक आएगा आपने उसको ओपन करना है। तो इस को जैसे ये ओपन होता है तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना NIC नंबर एंटर करना है, और NIC नंबर एंटर करने के बाद आपका जो STS लॉगिन का पासवर्ड है उसको आपने एंटर कर देना है। जैसे ही आप इसको करेंगे और आप लॉगिन कर देंगे, लॉगिन करने के बाद आपका पोर्टल पे अकाउंट आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। और जैसे ही वो ओपन होता है उसमें आपने सबसे पहले जाके जो ऑप्शंस आ रहे होंगे, शो हो रहे होंगे, वहाँ पे आपने सबसे पहले सर्टिफिकेट्स वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके 2 ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट। तो जैसे ही वो ओपन हो जाएंगे और जो स्क्रीन आपके सामने आएगी उसमें फिर होगा अपना जो एड्रेस होगा वो आपने अपना जो पोस्टल एड्रेस है वो आपने एंटर करना है। वो एंटर करने के बाद फिर वहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा वो आएगा अपडेट एड्रेस का ऑप्शन आएगा। अपडेट एड्रेस के ऑप्शन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका आएगा डाउनलोड चालान। डाउनलोड चालान का ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा जैसे ही आप उसको देखेंगे, डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आपका जिस तरह यहाँ पर मेरा स्टेटस शो हो रहा है अनपेड, तो वहाँ पे आपका अनपेड शो हो रहा होगा। और जैसे ही आप डाउनलोड चालान को क्लिक करेंगे, डाउनलोड चालान के बाद आपने जो चालान है वो अलाइड बैंक का होगा, उसमें आपने सबमिट करवाना है। अलाइड बैंक का चालान जो है 2 तरीक़ों से आप उसमें पे कर सकते हैं। एक तो आपका जो 6 डिजिट नंबर होगा उसके थ्रू आप अगर ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप जो आप चालान पे कर सकते हैं, तो घर बैठे आप अपने अलाइड बैंक अकाउंट से इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू और ना डाल के आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं तो फिर आप बैंक में जाके वो चालान वहाँ पे सबमिट करवाएंगे। जैसे ही आपका चालान वहाँ पे सबमिट हो जाएगा तो चालान सबमिट होने के 6 घंटे के अंदर अंदर आपका जो वहाँ पे सेम सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में जो ऑप्शन है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड सर्टिफिकेट। तो जिसका आप चालान पे करेंगे तो उसके सर्टिफिकेट को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड करने के अलावा जो आपने पोस्टल एड्रेस अपडेट किया हुआ है वहाँ पे हफ्ते के 10 दिन के अंदर आपका जो है ये सर्टिफिकेट पहुँच भी जाएगा। तो ये तरीक़ेकार हैं बेसिक, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सर्टिफिकेट सोन आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये 3 साल तक सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा, तो हज़ारों जितनी भी जॉब्स आप ये गवर्नमेंट की आती जाएंगी वो इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही आप अप्लाई करेंगे। अगर आपने अभी सर्टिफिकेट नहीं लिया और डेट गुजर गई तो बाद में आप फिर परेशान होंगे, इससे परेशानी से बचिए और इसमें अप्लाई करें।